जोधपुर भारत के बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। इसे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और ऑफिशियली भारत के राजस्थान राज्य की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहा जाता है। यदि आप जोधपुर के एरियल व्यू को देखते हैं तो आप इसके नीले रंग के कारण इसे आसानी से पहचान सकते हैं। थार डेजर्ट के किनारे पर बसा जोधपुर अलग ही अपनी पहचान बनाता है। जोधपुर न केवल नीले शहर के रूप में जाना जाता है, बल्कि इसे भारत का सूर्य शहर अथवा सन सिटी भी कहा जाता है। घरों की दीवारों में रंगे हुए चमकीले नीले रंगों को पुराने जोधपुर में देखा जाता है। नए जोधपुर की इमारतें नीले रंग की नहीं है। यहाँ मुख्य 7 कारणों की चर्चा की गई है, जिनके कारण जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। पहला, जोधपुर में इसमें से नंबर 1 है कि जोधपुर में पूरा साल तेज धूप का मौसम रहता है। जोधपुर में घरों को नीले रंग से रंगा जाता है। नीला रंग चिलचिलाती गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ सूरज की धूप से जोधपुर शहर में पूरा साल बड़ी भीषण गर्मी पड़ती है। नीला रंग सूर्य की किरणों का अच्छा रिफ्लेक्टर है, इसलिए यह घरों को ठंडा रखता है। इसी कारण जोधपुर को भारत का नीला शहर अथवा ब्लू सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जोधपुर भारत का एक ऐसा शहर है जहां प्रति यूनिट क्षेत्र में सबसे अधिक सोलर एनर्जी बनती है। जोधपुर की यही खूबी जोधपुर को भारत के सबसे गर्म स्थानों में से एक बनाती है। जोधपुर को भारत के सूर्य शहर अथवा सन सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पूरा साल मौसम साफ रहता है और तेज धूप खिली रहती है। इसलिए घरों को ठंडा रखने के लिए दीवारों को ब्लू कलर से पेंट कर दिया जाता है। जोधपुर में गर्मियों के दौरान तापमान 44 से 51 डिग्री सेल्सियस तक काफी अधिक रहता है। थार डेजर्ट की रेगिस्तानी भूमि के बीच स्थित होने के कारण जोधपुर गर्मी के मौसम में बेहद ही गर्म हो जाता है, जबकि सर्दियों में दिनों के समय जोधपुर सिटी का तापमान 35 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सर्दियों में रात के समय जोधपुर का मौसम सुहावना और अद्भुत होता है। जोधपुर में अन्य भारतीय शहरों की तुलना में काफी अधिक तापमान रहता है। जोधपुर में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का अंतर अन्य शहरों की तुलना में कहीं ज्यादा रहता है, क्योंकि यह थार डेजर्ट के बीच का एरिया है। जोधपुर को ब्लू सिटी का नाम मिलने के लिए दूसरा बड़ा कारण नीला रंग पवित्रता की पहचान है। जोधपुर के स्थानीय लोग नीले रंग को बहुत पवित्र मानते हैं। यह रंग भगवान शिव से जुड़ा है, जिन्होंने सागर मंथन के समय पृथ्वी को बचाने के लिए हलाहल विष को पी लिया था, इसलिए शिवजी का कंठ नीला हो गया था। जोधपुर की भारी जनसंख्या शिव भक्त है। नीले रंग की इसी पवित्रता के कारण जोधपुर में बसे बहुत से लोगों ने अपने घरों को नीले रंग में रंग दिया और इस प्रकार से भारत का नीला शहर अथवा जोधपुर ब्लू सिटी ऑफ इंडिया का नाम मिला। जोधपुर को ब्लू सिटी ऑफ इंडिया कहने का तीसरा बड़ा कारण है, जोधपुर भारत में ब्राह्मणों का शहर है। नीला रंग ब्राह्मणों से जुड़ा है और जोधपुर शहर के नीले घर ब्राह्मण जाति के परिवारों के हैं। ब्राह्मणों के अनुसार नीला रंग उन्हें भारत में हिंदुओं की सर्वोच्च जाति के रूप में दर्शाता है और उन्हें निम्न जाति के समुदायों से अलग भी करता है। जोधपुर को ब्लू सिटी का नाम लाइमस्टोन और कॉपर सल्फेट के आसानी से मिलने के कारण भी मिला है। चूना पत्थर और कॉपर सल्फेट राजस्थान के जोधपुर शहर के आसपास काफी आसानी से मिल जाते हैं। नीला रंग कॉपर सल्फेट और लाइमस्टोन के मिश्रण के रूप में तैयार किया जाता है। इस मिश्रण का उपयोग घरों को नीले रंग में रंगने के लिए किया जाता है और यह ऐसा करने का एक बहुत ही इकोनॉमिकल तरीका भी है। इस प्रकार जोधपुर को भारत की ब्लू सिटी का नाम मिला। जोधपुर को ब्लू सिटी इसलिए भी कहा जाता है
कि यहाँ नीला रंग दीमक और मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों से घरों को सुरक्षित रखता है। जोधपुर के लोग कॉपर सल्फेट और लाइमस्टोन के मिश्रण का उपयोग अपने घरों को दीमक और अन्य कीड़ों के नुकसान से मुक्त रखने के लिए करते हैं। ये वही कॉपर सल्फेट है जिसको भारत की बोलचाल की भाषा में नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर के लोग अपने घरों को कॉपर सल्फेट और लाइमस्टोन के मिक्सचर से रंगते हैं, जो रंगने के कुछ देर में ही नीला हो जाता है। इस प्रकार घरों को नीला रंग मिलता है और जोधपुर को जोधपुर द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया का नाम मिलता है। जोधपुर में इंडिगो प्लांटेशन का ऐतिहासिक प्रमाण है। जोधपुर में इंडिगो प्लांटेशन मतलब नील की खेती प्राचीन काल से की जाती थी। आज भी इसके सबूत आसपास के क्षेत्रों में देखे गए हैं। घरों की दीवारों को रंगने के लिए नीले रंग को बनाने के लिए यहाँ नील के पौधों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। कॉपर सॉल्यूशन को यदि किसी खास केमिकल में मिला दिया जाए तो ब्लू कलर आ जाता है और इसी फार्मूला को जोधपुर के नागरिकों ने यूज किया। पुराने जमाने से ही भारत अपनी नील की खेती और प्रोसेसिंग के लिए प्रसिद्ध रहा है। नील अथवा तो इंडिगो ड्राइंग प्रिंटिंग तथा पेंटिंग के पर्पस से प्रयोग किया जाता रहा है। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध शिल्प जैसे हाथ से बने ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक्स और हाथ से बने नीले मिट्टी के बर्तनों में नील का भरपूर उपयोग किया जाता है। ऐसी चीजों को राजस्थान के जोधपुर जयपुर आदि शहरों में आसानी से देखा जा सकता है। जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में नील की खेती प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध थी। इस प्रकार इंडिगो डाई का उपयोग घरों को नीला रंग देने के लिए किया गया, जिसने शहर को नीला रंग प्रदान किया। जोधपुर को नीला रंग पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा को बनाए रखने के लिए भी दिया गया। महाराजाओं के शासन काल में लोग बहुत पुराने दिनों से अपने घरों को नीले रंग से रंगते रहे हैं। इसने नीले रंग में घरों की पेंटिंग को जोधपुर की कल्चर और ट्रेडिशन का हिस्सा बना दिया। आज भी लोग इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रखते हैं। ये भी घरों को नीले रंग से रंगने का एक संभावित कारण हो सकता है, जिससे यह भारत का नीला शहर बन जाए। नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और परंपरा का ज्ञान करवाना चाहिए और जोधपुर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पूरे जोधपुर को नीले रंग में नहीं रंगा गया है, केवल मेहरानगढ़ किले के पास पुराने शहर के क्षेत्र में मुख्य रूप से नीले रंग में चित्रित इमारतें हैं। जब आप मेहरानगढ़ किले के शिखर पर खड़े होकर नीचे देखते हैं तो आप निश्चित रूप से घरों को नीले रंग में रंगने की परंपरा का दर्शन करेंगे। प्राचीन काल से घरों को नीले रंग से रंगा जा रहा था और आज भी यह परंपरा जारी है और इस तरह पुराने जोधपुर शहर के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी घरों को नीले रंग से रंगने की परंपरा को कायम रखते आए हैं। उम्मीद है आने वाले भविष्य में भी यह परंपरा जारी रहेगी।